जी मोहन जी बताइए, इतनी रात में भी युवा आपके लिए खड़े हैं, ऐसा आपने क्या जादू है? देखिए राजस्थान का जवान, राजस्थान का किसान और छत्तीसगढ़ के लोग इन दलों की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं और आरएलपी पार्टी विपक्षी भूमिका निभा रही है। अभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर विधानसभा और सड़कों पे कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान मेरे विधायक और सांसद लड़ रहे हैं। और पिछली बार जब वसुंधरा सीएम थी तभी हनुमान बेनीवाल अकेला वसुंधरा राजे के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ रहा था। हुंकार भरी, ललकार भरी और जवानों और किसानों की जितनी भी समस्याएं उनके समाधान का इनको भरोसा दिया, मंत्री पदों को ठोकर मारी। इसलिए राजस्थान का जवान और किसान दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहा, इनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है और मैं इनको आगे लेके जाऊंगा किसानों और जवानों को। जानवर की सबसे बड़ी समस्या जो भारतमाला परियोजना चल रहा है उसमें किसानों को मुआवजा बहुत ही कम मिल रहा है, इसको लेकर देखिए भारतमाला परियोजना में जालौर में ही नहीं, बाड़मेर, जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर तमाम जिलों पे डीएलसी दर की वजह से पंजाब से हमें मुआवजा कम मिला और इस मामले को दो बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत ने उठाया, गडकरी से इस मामले में मिला था। मैं और प्रयास करूंगा इस पंचायत चुनाव के बाद जालौर के किसानों से मिलूंगा और डीएलसी दर के साथ साथ किस तरह ज्यादा मुआवजा यहाँ के किसानों को भारतमाला प्रोजेक्ट में मिले मेरी तरफ से पूरा प्रयास मैं करूंगा। जवाई पुनर्वन योजना को लेकर आप क्या करेंगे? मैं निश्चित रूप से जालौर जिले की जितनी भी समस्याएं, अब मैंने जालौर के अंदर सब लोगों से बात की है, मुलाकात की है, जालौर की तमाम समस्याएं और प्रदेश की तमाम समस्याओं को समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। हम पंचायत चुनाव के बाद रणनीति बना के तमाम जिलों की समस्याएं और राजस्थान की समस्याओं का समाधान करें।